सेहतमंद ईमान, सेहतमंद इस्लाम की निशानी क्या है? वो लायानी और बेकार कामों से दूर रहता है। बड़ा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, इसके हाल में हर वक्त एक आला मौजूद है, लगा हुआ लगवियात। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, हर वक्त इसके हाथ में एक लगवियात का आला है। जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, फजूलियात में नहीं, लगवियात में, जिसका ना इसे दुनिया का फायदा ना आखरत का फायदा, और जी लगता है बेचारा ईमान के अनवारात से महरूम है। ईमान वाला अल्लाह के यहां बहुत कीमती है, इसे अल्लाह ने जो चीज दी है वक्त और सलाहियत, अल्लाह नहीं चाहते कि इतना कीमती सरमाया ये मिट्टी में मिला दे। ये इतना कीमती सरमाया जो वक्त की सूरत में है, जो सलाहियत की शक्ल में है, इसे जाया कर बैठे, अल्लाह नहीं चाहते। इसलिए ईमान वाले की एक बड़ी खूबी है, वल्लदीन हुम अनिल्लग्व मुरिदून, ईमान वाला अपना ये वक्त और अपना ये सलाहियतों का सरमाया मिट्टी में जाया नहीं डालता, इसे जाया नहीं करता, बेकार नहीं करता, बल्कि इस सरमाया को यूं लगाता है कि हर आने वाला दिन ये अल्लाह के कुर्ब में और करीब होता, अल्लाह की रजा में और आगे बढ़ता, रूहानी तौर पे, ईमानी तौर पे, दुनियावी लिहाज से खूब तरक्की करता है। ये अपना वक्त जाया नहीं करता, अपनी सलाहियतें बर्बाद नहीं करता। तो फजूलियात में, गैर मुफीद कामों में, गैर मुफीद चीजों में वक्त जाया करना अगर गुनाह न भी हो, वरना होता नहीं है, जब आदमी गैर मुफीद चीजों में शामिल मशगूल होता है तो गुनाह भी जरूर करता है, बदनजरी भी जरूर होती है, बदनिगाही भी जरूर होती है, हराम का इर्तिकाब भी जरूर करता है, और उसकी नहुसत देखते हैं। जब ईमान बेनूर हो जाता है तो इसकी सारी इबादात बेनूर हो जाती है, कोई सुरूर नहीं आता, जी ही नहीं लगता, बस एक कानून पूरा करना है, एक जाब्ते के तहत ही इबादात तो कर रहा होता है, लेकिन वो उस मजे से, उस सुरूर से, उस चाहत से, उस इत्मीनान से महरूम होता है। खोखला ईमान है, तो जो ईमान मेरी निजात का जरिया है, अल्लाह की मदद और नुसरत का जरिया है, मेरी सारी नेकियों की कबूलियत का जरिया है, अल्लाह की रहमत को जो चीज मुतवज्जे करती है, जिससे मैं अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बनता हूं, मैं उस ईमान के किस सतह पे खड़ा हूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक पैमाना दे दिया, इदा सर्रत का हसनतु का वसअत का सैयतु का फानता मुअमिन, तू नेकी करे तुझे खुशी हो, तुझे सुरूर मिले, और तुझसे कोई गलती हो जाए, ईमान के तकाजे के खिलाफ कुछ हो जाए, तू बेचैन और परेशान हो जाए, ये ईमान, ये ईमान कि नेकी में, नेकी के माहौल में, नेक कामों में मुझे कितना सुरूर आता है, कितना जी लगता है, कितना इत्मीनान मिलता है, और गुनाह से और गुनाहों से और गंदगियों से मैं कितना बेजार और तकलीफ महसूस करता हूं, अपना ईमान देख।